नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फिर से कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फिर से हिमाचल के 4 जिलों में रात्रि का कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जो कि शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में एक्टिव रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया जाएगा तथा पूर्णतः आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। यह नाइट कर्फ्यू 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक के लिए एक्टिव कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहले ही जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी है, देश विदेश से यहां लाखों लोग घूमने आते हैं और लॉकडाउन के चलते पहले ही पिछले 5 माह से सभी प्रकार के व्यापार बंद पड़े हैं, जिसकी आर्थिक क्षति को कोई भी व्यापारी पूरा नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री का तो बुरा हाल है। पहले ही कई व्यापारी अपने व्यापारों को बंद कर चुके हैं और कुछ व्यापारियों द्वारा व्यापार को अभी अभी लेटेस्ट में चालू किया गया था। पिछले 15 सितंबर से जैसे ही हिमाचल प्रदेश को पूर्णतया खोलने की बात कही गई थी, जिसके चलते दोबारा से हिमाचल के पर्यटन व्यवसाय को पंख मिलने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी, वहीं अब कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण दोबारा से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण दोबारा से हिमाचल में सैलानियों की आमद फिर से कम हो जाएगी। बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद होटल इंडस्ट्री पूर्णतया डूब ही जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप शिमला आने का विचार कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, परंतु रात्रि में आपको कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि शिमला में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जिसमें पूर्णतः आने जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। और हाँ, बिना मास्क के भी आपको 1,000 रुपए तक का चलान भी भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार बसों में भी जो 100% ऑक्यूपेंसी की छूट दे दी गई थी, वो भी रद्द करके 50% पर कर दी गई है और ये सभी 15 दिसंबर तक के लिए घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि यह सूचना किसी के काम आ सके।